नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश इनानिया आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल इनानिया एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रीट शिक्षक भर्ती 2018 से संबंध में। काफ़ी अभ्यर्थियों के बार बार कमेंट्स आ रहे हैं जिन पर आज ये वीडियो मैं बना रहा हूं। इसमें सबसे बड़ा सवाल होगा कि वेटिंग लिस्ट आएगी, और आएगी तो कितने नंबर तक नीचे आ सकती है सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में। और इसके अलावा कट ऑफ जो इतनी ज़्यादा गई है, क्योंकि सभी के अनुमान से ऊपर कट ऑफ गई है, इसके प्रमुख क्या 5 कारण हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि आपके सभी प्रकार के डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन जो आपको वीडियो के नीचे दिखाई देगा उसे क्लिक करें, जिससे कि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं वो 5 कारण जिनके कारण कट ऑफ हाई गई है। सबसे पहला कारण है यहाँ पर एक ही अभ्यर्थी द्वारा 2 या 3 फॉर्म भरना, अर्थात एक ही अभ्यर्थी है जिसके ज़्यादा अंक है रीट में भी और स्नातक में भी, उनने 2 या 3 सब्जेक्ट का फॉर्म अप्लाई कर दिया। मान लो हिंदी इंग्लिश और सामाजिक से, या हिंदी इंग्लिश और आप मान सकते हैं कि साइंस मैथ्स से उन्हें फॉर्म फिल कर दिया, तो उनके नंबर ज़्यादा है, इस वजह से उनका तीनों में सलेक्शन हो गया। लेकिन वो ज्वाइनिंग किसी एक सब्जेक्ट में ही करेगा जिसमें उसको होम डिस्ट्रिक्ट मिला है, अन्य में वो अपनी ज्वाइनिंग नहीं करेगा, तो उससे उनकी वो जो लिस्ट है वहाँ से वेटिंग लिस्ट आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। और सबसे बड़ा कारण यही है वेटिंग जो ये कट ऑफ है ऊपर जाने का, कि एक अभ्यर्थी द्वारा अधिक सब्जेक्ट में फॉर्म फिल करना। इस प्रकार के अभ्यर्थी बहुत सारे हैं जिनने फॉर्म फिल किया है, मेरे दोस्त भी है जिनने इस प्रकार से फॉर्म फिल किया है और उनमें सेलेक्शन भी हुआ है। अब सेकंड नंबर यहाँ आप देख सकते हैं कि रीट 2016 जो कि वैकेंसी आई थी उसमें काफ़ी अभ्यर्थी है जिनको पोस्टिंग मिल चुकी है, और काफ़ी अभ्यर्थी है जिनको पोस्टिंग नहीं मिली है, जिसमें सबसे बड़ा जो साइंस मैथ के अभ्यर्थी हैं 927, उनमें किसी को पोस्टिंग नहीं मिली, उन सभी ने वापस फॉर्म भी फिल किया और उन सभी का नंबर आया। और इसी के साथ अन्य सब्जेक्ट के भी अभ्यर्थी हैं जिनको अदर डिस्ट्रिक्ट मिला है, अर्थात होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है, उन अभ्यर्थियों ने भी फॉर्म वापस फिल किया और उनका नंबर श्योर सिलेक्शन हुआ, क्योंकि जो 16 में सिलेक्शन है उनका वापस सिलेक्शन हो रखा है, तो उन अभ्यर्थियों के कारण भी मेरिट काफ़ी हाई गई है। और ऐसे अभ्यर्थी भी जो कि 2013 वैकेंसी, 2012 वैकेंसी, जिनकी हाल ही में पोस्टिंग हुई है और वो पुरानी पोस्टिंग भी है, अगर उनकी डार्क जोन में पोस्टिंग है तो वो डार्क जोन से निकलने के लिए वापस फॉर्म फिल किया और उनका वापस सिलेक्शन हुआ है, उन अभ्यर्थियों के कारण भी ये मेरिट हाई गई है। इसके बाद 3 नंबर हम कारण यहाँ देख लेते हैं कि बीए एडिशनल डिग्री की खरीदारी। यहाँ में बीए एडिशनल जिसने लीगल डिग्री ली है, ये 1 साल पहले फॉर्म फिल किया और 6 पेपर दे अपना जो डिग्री प्राप्त किया उनका नहीं बोल रहा हूँ, जो अभ्यर्थी जिनने डिग्री हाल ही में फॉर्म स्टार्ट होने के बाद 50,000 1,00,000 में अपनी डिग्री खरीद के इसमें डिग्री लगाई है और अपने परसेंटेज को इंक्रीज किया है, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनने डिग्री खरीद कर 80 से 90% की डिग्री ली है और उनके परसेंटेज भी इंक्रीज हुए हैं और उन्होंने अभी डिग्री बना के लगाई है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी है जो पूरी बीए की डिग्री ही लेके आ रहे हैं, पूरी 3 साल की पूरी डिग्री लेके आ रहे हैं और बीएससी की भी डिग्री ला रहे हैं। इन अभ्यर्थियों के कारण भी काफ़ी यह मेरिट हाई गई है। इन अभ्यर्थियों को श्योरली बाहर निकालना आपकी ही जिम्मेदारी होगी, क्योंकि कुछ दिनों बाद इनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको शाला दर्शन पोर्टल पर अवेलेबल होंगे, वहाँ से आप चेक करके इनको निकाल सकते हैं सभी अभ्यर्थियों को कि इनकी जो डिग्री है फर्जी है या नहीं है, क्योंकि आप एक दूसरे को जानते हो और आसानी से आप देख पाओगे कि ये अभ्यर्थी, इसके इतने नंबर नहीं है, इसकी एडिशनल नहीं थी, इनने कहीं से डिग्री ली है, या इसके बीए में 50% थे, अब बीए की 70% की डिग्री कहाँ से लगी है, ये सारी आपके वहाँ पर अपलोड होगी, अर्थात जो डॉक्यूमेंट है वो पूरा का पूरा अपलोड होगा शाला दर्शन पर, और वहाँ से आप एक एक कैंडिडेट के देख के इनको बाहर निकाल सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी होगी, अगर आप इनको बाहर निकालते हैं तो आपकी वेटिंग लिस्ट ज़रूर आएगी, इनका ज़रूर ध्यान रखें, इनके कारण ही सर्वाधिक ये अधिक जाने का प्रमुख कारण यही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि रीट 2012 जो कि हम RTET 2012 कह सकते हैं, और रीट 2017 पेपर आउट संबंधित जो मामले हैं वो आपको सभी को पता है किस प्रकार के मामले हैं, इनसे संबंधित भी ये मेरिट आई गई है। और लास्ट है जो कारण है वो वेटेज से संबंधित, वेटेज ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन जब फर्जी डिग्री आती है तब वेटेज बहुत ही ज़्यादा मायने रखने लग जाता है, क्योंकि 30% काफ़ी होती है और जहाँ पर फर्जी डिग्रियाँ आती है या जो भी फर्जी इलीगल डिग्री होती है वहाँ पर ये वेटेज बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और जिसके कारण ये मेरिट काफ़ी हाई गई। ये प्रमुख 5 कारण थे जो मेरिट हाई जाने के हैं, और अगर आपको कोई अन्य कारण लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें,
और ये जो मैंने राय दी इनके बारे में अपनी राय जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। अब हम बात कर लेते हैं जो वेटिंग लिस्ट है वो कितनी आ सकती है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट आने के मैंने कारण बता दिए हैं कि इन कारण से वेटिंग लिस्ट आएगी और आप ज़्यादा वेटिंग लिस्ट निकालना चाहते हो तो इन अभ्यर्थियों को बाहर निकालो, आपकी वेटिंग लिस्ट ज़्यादा हो जाएगी अपने आप। अब बात करते हैं वेटिंग क्या सबसे पहला जो प्रश्न है वह वेटिंग आएगी या नहीं आएगी, तो इससे संबंधित मैं आपको श्योर कर देता हूँ कि 100% इनकी वेटिंग आएगी, सभी सब्जेक्ट की वेटिंग आएगी। लेकिन जैसे इनकी प्रोसेस कंप्लीट होगी उसके बाद वेटिंग आएगी, अगर किसी स्टे के कारण भर्ती पे स्टे आता है तो उसके बाद वेटिंग डिले हो जाएगी, क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी तो स्टे जो ज्वाइनिंग नहीं होने के कारण इनकी वेटिंग लेट हो जाएगी, लेकिन वेटिंग ज़रूर आएगी। अब बात करते हैं कि कितने नंबर तक वेटिंग आएगी, तो इनमें मैं आपको बता देता हूँ कि काफ़ी सब्जेक्ट में तो ये वेटिंग 2% तक आएगी, जिसमें साइंस मैथ इंग्लिश और हिंदी इन सब्जेक्ट में आपके जो है ये वेटिंग लिस्ट है 2 नंबर तक नीचे आने के पूरे चांस है। अगर आपको मैं मैक्सिमम 3 नंबर मान लेता हूँ, अगर 3 नंबर नीचे है मेरिट से अभी कट ऑफ्स हैं तो उनका सिलेक्शन आप कहीं भी ना सोचें, 2 नंबर तक मेरिट आने की चांसेस बताता हूँ, लेकिन 3 नंबर से नीचे कोई अभ्यर्थी है, 3% से नीचे कोई है तो वो अभ्यर्थी इस भर्ती में अपना सिलेक्शन ना समझे, क्योंकि इससे नीचे कभी भी नहीं मेरिट आएगी और ये तो आपका लास्ट अंतिम है, लेकिन यहाँ तक आने के पूरे चांस है कि 2% तक मेरिट जो कट वेटिंग लिस्ट में आ सकती है नीचे। अब बात करते हैं कि जो अन्य सब्जेक्ट हैं जिसमें SST वहाँ पर 1% तक आने की पूरी चांसेज है, संस्कृत सब्जेक्ट उसमें भी 1 से 2% तक आने के चांसेज है, लेकिन इसमें आपको एक रिसेंटली अभी संस्कृत डिपार्टमेंट के लेवल 2 का संबंधित एक रिजल्ट आया, अगर उनको भी ज्वाइनिंग पहले होती है और उनसे संबंधित जो अभ्यर्थी उधर भी जाते हैं तो भी इसमें थोड़ा वेटिंग का जरूर प्रभाव पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें, साथ ही साथ जो चैनल है हमारा वो जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने से आपको इसी प्रकार की जानकारी जरूर अवेलेबल होगी, साथ ही गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको समय समय पर अवेलेबल होती रहेगी। साथ ही साथ अब भी आपके कोई डाउट है इस वैकेंसी से संबंधित तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।